दो दो फिल्म का अनुरोध हुआ है, जरा दर्शकों को बताइए कौन सी फिल्म है और कौन कौन से कलाकार फिल्म है। आज मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। आज पावन पर्व है, स्पेशली माँ दुर्गा का नवरात्र का पहला दिन और आज मुहूर्त का डेट भी है। तो ये हम लोग जो महिमा जो दुर्गा माई करने जा रहे हैं पार्ट टू, उसमें काजल जी हैं और माधव जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं और ऋचा दीक्षित जी, इन लोगों से भी बात हुई है। तो ये लोग अपने हम लोग करें महिमा दुर्गा माई, ये लोग 15 नवंबर के आसपास में हम लोगों का करने का प्लान है। उसके बाद संतोषी मैया प्रक्रिया लाल सिंगरुबा के, तो ये जो करने जा रहे हैं ये हम लोग करेंगे दिसंबर के आसपास में। तो इसमें अंजना जी हैं और डॉक्टर भीमराव जी हैं, मनोज टाइगर जी हैं और फिलहाल तो ये अपने मेन कास्ट में है, बाकी सब लोग और भी सपोर्टिंग में बहुत लोगों से बात हुई है, बाद में हम बताएँगे। ये भी जानना चाहेंगे सर को लेके आप लगा ये दो फिल्म कर, इसके पहले भी आपने फिल्म की जी तीन चार, क्या कुछ खास है, किस प्रकार की बॉन्डिंग आप दोनों शेयर करते हैं कि बार बार सर को रिपीट करें? हाँ, ये देखिए किसी भी चाहे हिंदी फिल्म हो या मराठी या भोजपुरी किसी का भी, जब एक बार डायरेक्टर से किसी आर्टिस्ट का बॉन्डिंग बन जाता है, जैसे कि वो हमारी बातों को समझ जाता है या फिर कुछ, तो पहली फिल्म से ही पता चल जाता है। फिर उसके बाद आदमी खुद उसको रिपीट करना चाहता है कि हाँ इस करेक्टर के लिए बढ़िया फिट पड़ेगा या फिर उसके कोई नखरे नहीं है, परेशान करने वाली बात ना हो, तो बहुत सी चीज़ें मेल खाती हैं। अगर मेल खा जाती हैं तो फिर आदमी बार बार रिपीट करता है। आप किसी भी हिंदी फिल्म के भी डायरेक्टर को देखेंगे तो जैसे कि आप सुभाष घई को ही देखिएगा, वो जैकी श्रॉफ को लगातार रिपीट किए हैं, संजय दत्त को रिपीट किए हैं, आलोक नाथ जी को हर फिल्म में, अमरीश पुरी जी को हर फिल्म में। तो रीज़न क्या है कि उनसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, उनके साथ उनके नेचर के एक दूसरे समझ जाते हैं, तो काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। सर आपसे जानना चाहूँ, सबसे पहले तो आपका लुक जो है मनोज वाजपेयी जी से मिलता है, तो पहले उस बारे में बताइए, कभी किसी ने कुछ बताया? एक्चुअली अगर मेरा लुक मनोज वाजपेयी से मिलता है तो इसमें तो मेरे माँ बाप का श्रेय है कि उन्होंने जो है मतलब उसमें उन्हीं लोगों का हाथ है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम लोगों ने ये बताया कि आपका लुक जो है मतलब अगर थोड़ा सा किया जाए तो मनोज वाजपेयी से काफ़ी आप मिलते हैं, तो ये मेरे लिए आनर की बात है। वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं, अगर उनकी परछाई भी मेरे अंदर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भाग्य तो कमोबेश सेम चल रही है, क्योंकि वो भी निगेटिव सेट से फिल्मों में शुरुआत किए थे और मैं भी निगेटिव सेट से ही फिल्मों में शुरुआत किया था, तो अभी वो भी हीरो कर रहे हैं, मैं भी हीरो कर रहा हूँ, तो काफ़ी सिमिलरिटी उनसे मिलती है मेरी। महिमा दुर्गा मैया के पहला पार्ट हो चुका है, किस प्रकार का रिस्पॉन्स आया है और ये दूसरा पार्ट बन रहा है? हाँ, जरा उस बारे में बताइए। महिमा दुर्गा माई पार्ट वन जो है उसमें एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, क्योंकि उसमें मेहनत जिस तरह से को आर्टिस्टों ने किया, उसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था एक्सेप्ट ऋचा दीक्षित जी के, चूँकि खुद दुर्गा जी का रोल उन्होंने प्ले किया है, बाकी उसमें बहुत लोकल के लोग थे और उसमें कोई बड़ा नाम नहीं था। लेकिन जितनी मेहनत से वो फिल्म बनी, एक अनजाना सा डर था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से चैनल का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह का उसके गानों पे रिस्पांस आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो मील का पत्थर साबित होगा। जी दोनों जी 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 ऐसा नहीं हो सकता, एक कुछ अलग जोनर का बनता। ऑलरेडी सर ने अभी एक फिल्म हम लोगों की बनी है पत्नी व्रता, वो एक अलग जो उनकी फिल्म थी, उसके बाद फिर सर ने अभी सर ने प्रोड्यूस की है, सर ने बनाई है पति की शादी, वो एक अलग जो उनकी फिल्म है। मतलब आप जिसमें अगर मैं माधव कुमार राय हूँ और डायरेक्टर संतराम सर हैं और प्रोड्यूसर हरीश जी हैं, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि वो फिल्म में कुछ तो नया है, कुछ तो नया है। नया तो ये है कि मैंने पति व्रता सुना है जी, पत्नी व्रता, ये जरा सा थोड़ा सा जी, जैसे हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम क्या होता है कि अगर पत्नी बीमार हो गई तो पति देव दूसरी शादी खोजने लगते हैं कि अगर ये जाए तो मैं जल्दी से दूसरी व्यवस्था कर लूँ, जबकि उल्टा अगर हो जाए, अगर पति की तबीयत खराब हो जाए तो पत्नी मैक्सिमम ऐसा नहीं चाहेगी, वो उनकी सेवा करती है, जो अभी हिंदू धर्म में अभी हम लोगों के यहाँ जो रीति रिवाज है। तो उस पराकाष्ठा को हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया है कि अगर पत्नी पति की सेवा कर सकती है, पत्नी अगर सत्यवान का प्राण वापस यमराज से ला सकती है, तो पति क्यों नहीं कर सकता? जबकि उसको अर्धांगिनी बोला जाता है, जीवन संगिनी बोला जाता है, तो उसको क्यों नहीं? तो वो उस पराकाष्ठा पे वो फिल्म बनी है कि एक पत्नी को अगर प्रॉब्लम होती है तो पति किस तरह से अमराज से उसके प्राण वापस लाता है। जी सर आप भी बताइए कि आप किस प्रकार से इस फिल्म से जुड़े हैं? हाँ, इस प्रकार से जो पत्नी व्रता, पहले
फिल्म शादी फिल्म बना था, अब उसका विपरीत हो गया, पति की शादी पति का शादी हो पॉइंट इसके विपरीत में बनाया गया, जिससे दोनों मिलता जुलता रहे। जय संतोषी माँ में एक तरह से एक किरदार है कि जैसे एक आदमी है वो अपने नशे में घमंड में चूर है, उसके लिए उसकी पत्नी मायने नहीं रखती है, मतलब एक वन लाइन में बता रहा हूँ कि पत्नी मायने नहीं रखती उसके लिए, बाहरी चीज़ें मुजरा गजरा सब उसके जितने भी इस कलयुग के अवगुण हैं सब हैं उसके, और पत्नी जो है वो संतोषी माँ की भक्त है, और उसके बाद जो है वो किस तरह से अपने पति को सुधारती है, कितनी कैजुअलिटी होती है, कई भगवान से उसमें टकराहट होगी संतोषी माता से, और सारी चीज़ें हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट है उसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो धार्मिक फिल्में बनती है जी 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 उसमें चेहरे का भाव और शब्दों का चयन बहुत मायने रखता है, बहुत मायने वाली फिल्म होती है उसमें हमें कुछ छूट पा जाता है। हाँ जी जी जी, तो कितना कुछ इसमें ध्यान रखा गया और अपने आप को इस करेक्टर में ढालने के लिए कितनी कुछ मेहनत का आपने? नहीं नहीं, करेक्टर एक्चुअली क्या है कि डायरेक्टर साहब हमारे राइटर भी हैं, तो एक एक चीज़ पे बड़ी बारीक इनकी नज़र रहती है, कोई भी चीज़ होता है तो उसको 10 बार उसको काटना जोड़ना, फिर ये नहीं बेहतर है, अगर इनको पूरे दिन की शूटिंग रीशूट करनी पड़ जाए तो उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं, क्यों पिक्चर हमारी अच्छी बननी चाहिए। और जो हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ धर्म की बड़ी महत्ता है और वहाँ पर शब्दों का भी बहुत महत्व है, तो इसका तो ध्यान सबको रखना चाहिए, हम लोग भी रख रहे हैं। डायरेक्टर सर जान चाहूँ, आप अच्छा लिखते हैं जी, अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन आप अच्छे एक्टर भी तो हैं सर, इसमें क्या आपको देख पाएंगे? नहीं मतलब हम तो एक कभी कभी छोटे रोल, मतलब जब ऐसे किसी आर्टिस्ट का कुछ हो गया तो कर लेता हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं है स्पेशल, तो छोटी चीज़ से वो कोई बैन हुई। कब से शूट पे जा रहा है ये? 15 नवंबर से हम लोग जो है इसका शूटिंग का, पहली फिल्म महिमा दुर्गा माई की, दूसरी वाली जय संतोषी माँ, संतोषी माँ रखिया लाल सुनू का ये। तो जब पहला गाना हम कर रहे थे रोमांटिक था, तो मुझे लगा था कर लेंगे, बट उन्होंने किया नहीं है, बहुत अच्छा गाना किया और इतना अच्छा किया, मुझे लगा ही नहीं कि इन्हें डांस नहीं आता है। और दूसरा जो गाना था वो डांसिंग वाला था, उसमें भी इन्होंने इतना अच्छा किया, जैसे बहुत ही अच्छा डांस कर पाए, और ये खुद ताजुब है कि इन्होंने डांस कर कैसे लिया, कर लिया। अभी भी वो ताजुब है कि डांस कैसे कर लिया, बट बहुत अच्छा डांस किया, मतलब काजल के साथ मैच करना और सिंक करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो ऑलरेडी डांसर है। और दो गाने थे जो पति की शादी फिल्म का गाना था वो, जिसमें सर डायरेक्टर थे और सर प्रोड्यूसर हैं, और उसमें काजल जी भी हैं और अंजना जी भी हैं, उसमें काजल जी भी हैं और अंजना जी भी हैं। तो एक्चुअली क्या था कि मैम वहाँ जा नहीं पाई बॉम्बे से वहाँ, तो यहाँ पे सर ने आपको बुलाया, तो मैं जब आया तो मैं रात भर नहीं सोया, इसलिए नहीं सोया कि कोरियोग्राफर सुनने में आया कि सरोज खान जी के साथ काम कर चुकी हैं और सामने काजल जैसी डांसर, अब मेरा क्या होगा, और ऊपर से सर अगर गलती हो गई तो मेरी खैर नहीं, वो पूरा क्लास लग जाएगी। लेकिन देवी दुर्गा मनाते हुए पहुंचा मौके पे, मैम से सर ने पहले बोल दिया था कि बहुत अच्छे डांसर नहीं है, तो मैम उस हिसाब से ध्यान दे रही थी, लेकिन जब इन्होंने, वही कहा जाता है ना कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, माँ की तरह हैं, तो इन्होंने देख लिया कि मेरी कैपेसिटी क्या है। उसके बाद इन्होंने जो सर माहौल बनाया, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, मैं कह नहीं सकता कि मैं कैसे कर ले गया। आप उस फिल्म को जब देखेंगे तो कोई देखने वाला ये कह नहीं पाएगा कि इस बंदे को डांस नहीं आता, इतना बेहतरीन काम हुआ, बहुत बढ़िया किया, बहुत, मतलब काजल को मैच करना बहुत डिफिकल्ट है, ऑलरेडी वो डांसर्स है और इन्हें थोड़ा सा डाउट था कि कर लूँगा या हो पाएगा या नहीं, बट इतना अच्छा किया, मतलब उसके साथ मैच कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया डांस। थैंक यू को मनोज तिवारी का नमस्कार। इस फिल्म में मैंने सर के कहने पे एक गाना बनाया जो कमर्शियल सॉन्ग था, आवा ढिबरी बुता के डांस करा, तो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, म्यूजिक भी मैंने किया और मेन वॉइस भी मेरी है, फीमेल में प्रियंका सिंह जी गाई हैं जो कि बहुत ही बड़ी सिंगर है, प्रियंका सिंह भोजपुरी के लिए देखा जाए तो, और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बनाया जो, और लगा सर के थ्रू ही हुआ है, लेकिन
अच्छा गाना बना एकदम। और शूट कैसा हुआ वो तो सर अभी बताया कि बहुत अच्छा शूट हुआ है। जी सर नमस्कार। सर मेरा एक फिल्म 5 तारीख को आ रहा है जो सर के माध्यम से है, और सर उसमें लीड किए हैं। पार्ट टू का पोस्टर भी देख रहे हैं, तो पार्ट 1 आया है, 5 तारीख को आएगा। उसमें गाने अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। और आने वाली